ना इधर छोटा सा, ध्यान से देखो। 30 में से कौन सी संख्या घटाएं सभी बच्चे बताओ, घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। आज ये पढ़ाना है। देखो टाइटल थंबनेल अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि काफी डिस्टर्ब था इस वजह से, बाकी अभी वो चलेगा वर्गमूल वाला क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ था। निशा यादव, काफी न्यू बच्चे ऐड हो गए हैं, चलिए ठीक है, हर दिन हमारे यहाँ न्यू बच्चे ऐड होते हैं। सभी बच्चे जवाब दीजिए, कोशिश करिए, बताइए। ऋषभ भाई, सभी बच्चे बताओ, जल्दी करो भाई। चलो मनीष त्रिवेदी, बिल्कुल भैया, देखो क्लास देखोगे रेगुलर बाबू तो आएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, मजा भी आएगी, बस क्लास को रेगुलर देखो, जाना नहीं कहीं, बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना है, प्यार से पढ़ना है, मैं काफी तेज बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे समझो हल, अब आवाज आवाज ठीक है, इसको मैं रख देता हूँ उधर, फालतू कान में घुसेड़ने से अच्छा नहीं है। चलो ठीक है, अब सभी ध्यान देंगे, पढ़ाई पे बात नहीं होगी, कोई कोई प्रकार की बातचीत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, ओनली वन पढ़ाई होगी। हाँ चलो ठीक है, देखो इधर साइड में समझो, मैंने कहा कि 30 में से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो भैया पूर्ण वर्ग क्या होता है आप सबको पता है। मनीष त्रिवेदी को 5 मिनट के लिए ब्लॉक कर दो भाई, ये थोड़ा दिमाग का भी ढील लग रहा है मुझे। देखो तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, कल मैंने बताया था कि जिसका वर्गमूल, जिस संख्या का वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या आती है वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें, कुछ नंबर मैंने लेके यहाँ पर रखे हुए हैं आप सभी के लिए, आप उन्हें जरा ध्यान से देखो। कहाँ गया भाई ये सब, देखो यहाँ पे समझो। जैसे अगर हम वर्गमूल निकालें 16 का, तो हमें भी पता है आपको भी पता है कि प्लस माइनस 4 होता है, ये सबको पता है। 16 का क्या आता है, 4 आता है वर्गमूल, सबको मालूम है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम वर्गमूल कहें 20 का, किसका, 20 का, तो ये कितना आता है बच्चा, आप लोग निकाल लेना भाग विधि से, 4.472 लगभग आता है, बोलो आता है ना। तो इसका जो वर्गमूल आया है पूरा पूरा, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ओ सॉरी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, पूर्ण संख्या है। क्या है बच्चा, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये क्या है, इसमें पूर्ण संख्या भी है और अपूर्ण संख्या भी है, दोनों प्रकार की संख्या शामिल है ना। हाँ शामिल है ना बाबू दोनों जी, देखो नीचे नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पर संपर्क करना बाबूआ, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, जो भी आप चाहते हो ना वो मिल जाएगा आपकी क्लासें, आप इस नंबर पे संपर्क करना, ठीक है, समझ रहे हो ना। चल ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये लो ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, वो सॉरी पूर्ण संख्या नहीं है। तो मैंने कहा था कि जो संख्याएं का वर्गमूल करने पर एक पूर्ण संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग होती है, अन्यथा जिसका एक मतलब पूर्ण संख्या वर्गमूल नहीं होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो 30 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, सभी बोल बच्चे बोलो यस या नो, जल्दी बताओ। निशा यादव आपको भी 5 मिनट के लिए ब्लॉक किया जाता है, ठीक है, जो फालतू इमोजी लगा के इधर उधर का कूड़ा कचरा मिला के कमेंट करेंगे उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि कमेंट में सिर्फ और सिर्फ बातें लिखी जाती हैं, जो सोचते हैं कि हम ढेर सारा उसमें कूड़ा कचरा मिला देंगे, इतना बड़ा दिखेगा तो हमारा पढ़ेंगे, तो उनको हम ब्लॉक कर देते हैं सीधा सा, बस जो सीधी सीधी अपनी बात लिखते हैं उन्हीं का कमेंट देखा जाता है बस। चलो फिलहाल पहले तो हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे, पढ़ाई के अलावा कमेंट पे ध्यान नहीं देना है। देखो इधर साइड में जिनको भी रोका गया 5-5 मिनट के लिए, 5 मिनट बाद फिर से कमेंट आएगा, सुधर जाना। चलो ध्यान से देखो भैया, जो 30 है ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। जरा इसमें से कौन सी संख्या को घटा दिया जाए कि जो संख्या प्राप्त तो हो वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जरा ध्यान से देखो कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। जैसे अगर हम शुरू से बात करें तो सबसे पहली पूर्ण वर्ग संख्या 4 है, 4 के बाद आती है कौन सी भैया, 2 का आता है ना, ये 2 का स्क्वायर ना। दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या 9 है, जिसको 3 का स्क्वायर करते हैं। तीसरी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है बच्चा,
16 है जिसको हम 4 का स्क्वायर करते हैं। चौथी पूर्ण वर्ग संख्या 25 है बच्चवा जिसको 5 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, आप सबको ये पता है। अगर इस तरह से हम आगे बढ़े तो हमें पता है कि अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 36 है, ये हम सबको पता है। और हमारी संख्या जिसको हमें लेके चलना है वो 30 है। अब यहाँ पे आप सभी ध्यान से देखो, बड़ा ही प्यार से देखो, समझने की कोशिश करो। किरण मौर्य जी कमेंट आपका आ रहा है, ठीक है, सभी के कमेंट आ रहे हैं बच्चे, समझो आप लोग। आशुतोष शुक्ला जी बिल्कुल कमेंट आ रहा है, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, इधर उधर हो जा, काहे डिस्टर्ब किया, आज तो पहले से भी दिमाग चटा है। हाँ देखो इधर साइड में समझो, 30 किसके किसके बीच आता जरा ये सोचो, ये 25 और ये 36 के बीच आता है ना, बोलो हाँ या नहीं सभी बच्चे जल्दी से। 25 और 30 के बीच, 25 और 36 के बीच 30 आता है ना, कह रहा है कि क्या घटाया जाए कि प्राप्त तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी हमें 25 लाना है कुल मिला के, क्या लाना है 25 लाना है। तो भैया सीधी सी बात है कि 30 में से हम क्या घटाएं कि 25 आ जाए, हमें पता है मान लो हम यक्ष घटाए, चलो हमने मान लिया कि 30 में से यक्ष घटा लो, 30 में से यक्ष घटा लो 25 आ जाएगा, ये लो आ गया मैंने मान लिया, यक्ष का मान निकाल लो बच्चा, तो ये 25 माइनस कितना आएगा 30, तो माइनस का यक्ष बराबर माइनस का 5, यक्ष बराबर 5, यानी उत्तर मिल गया। अगर हम 30 में से 5 को घटाएंगे तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। दिल से इंडियन जी आया समझ में, लाभ्या खान, सोनू यादव, रवि कुमार सिंह, सभी को आ गया ना समझ में, तो भैया लिख लो बाबू जल्दी से और इस सेशन को लाइक जरूर करो। चलो मैंने प्रश्न किया था कि 30 में से कौन सी संख्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप सभी समझ गए हो, तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सभी बच्चे जवाब देना फटाफट, जल्दी से जवाब देना। मैंने एक सवाल ये पूछा कि 30 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए, 30 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। चलो सभी बच्चे बताओ, संतोष जी बताइए, संख्या 30 में कौन सी संख्या को जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो अब यहां समझो, अब घटाने की बात नहीं आ रही, जोड़ने की आ रही। सबसे पहला जवाब आया है किरण मौर्य का, किरण मौर्य जी बिल्कुल, प्रतिभा केसरवानी, निर्मला श्रीवास्तव जी बिल्कुल कमेंट आ रहा है आपका, 30 में कौन सी संख्या जोड़े की प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ऑप्शन है 25, 6, 9 और 3। देखो समझो, जो सीरियसली पढ़ने वाले हैं वो समझेंगे, जो सिर्फ दूसरे उद्देश्य से आए हैं, किसी से बातचीत हो जाए, थोड़ा चैट वैट हो जाए, गपशप हो जाए, टाइम बीत जाए, तो उनके भगवान ने मालिक हैं। देखो संख्या क्या है 30, कह रहा कि इसमें कौन सी संख्या को जोड़ दें कि जो संख्या मिले जोड़ने के बाद वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमें पता है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं, अभी अभी मैंने निकाला था। अब भैया देखो पूर्ण वर्ग संख्या 4 है, 16 है, हाँ इसके बीच में 9 भी आती है, 9 भी है, 16 भी है, 25 भी है, 36 भी है और 49 है। क्यों, ये सभी शुरू से पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं सीरियल से, इनके बीच में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जो पूर्ण वर्ग हो, समझ रहे हो ना। ध्यान से समझो, अच्छे से समझो और प्यार से समझो, कोशिश करो समझने की, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। देखो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 30 है, ये किसके बीच में होगी, अरे बच्चा 25 और 36 के बीच में होगी, यानी कुल मिला के सीधी सी बात है हमें 30 को 36 बनाना है, क्योंकि 25 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, इसके पहले है 36 के, इसके पहले 25 आता है पूर्ण वर्ग है, 30 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, 30 के बाद अगली 36 आती है, 36 क्या है पूर्ण वर्ग है, अगली क्या है 49 है, 49 भी क्या है पूर्ण वर्ग है। तो इसमें अगर हम 19 जोड़ दें, 19 जोड़ दें तब भी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, यानी कि 19 भी इसका क्या है एक आंसर है, इसका 19 भी एक आंसर है, और इसमें अगर हम 6 जोड़ दें तब भी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, क्योंकि देखो हमने 6 जोड़ा तो ये 36 हुआ, 36 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर हमने इसमें 19 जोड़ा, देखो जिनको ना समझ में आएगा थोड़ा सा रुकेंगे आएगा,
मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम देना। ये नहीं कि बस तुम जुड़े कि नहीं भाग गए, जुड़े कि भाग गए तो फिर ऐसे नहीं आएगा। देखो 30 में 19 जोड़ोगे तो 49 आएगा। 49 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल 7 आता है। 36 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल 6 आता है। बात समझ में आई ना? लेकिन हमारा उत्तर क्या होगा? आप कहोगे कि गुरुजी 19 होगा कि 6 होगा। हम अपना ऑप्शन देखेंगे। ये बताओ ऑप्शन में 19 है कहीं? अगर ऑप्शन दिया है तब, नहीं दिया तो आप दोनों में से कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, बोलो ऑप्शन में क्या दिया है, 6 दिया है कि 19 दिया है? राजेंद्र सिंह, 8 नहीं होगा। नहीं बचवा, 8 नहीं होगा। 30 में जब तुम 8 जोड़ोगे ना तो 30 8 38 हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं, क्या दिया ऑप्शन में? अरे गधो, तुम्ही से पूछ रहा हूँ, सीधे तो बोलते ही नहीं हो। हाँ, जब तक कुछ ना कुछ बोलो तब तक नहीं बोलते हो। ज्योति विश्वकर्मा जी बिल्कुल सही है। कोमल परवीन, समझ आ रहा है। ऋषभ भाई, नीतू जी आप बहुत जल्दी उत्तर दे रही हैं, तो तुम क्या करो ना बच्चा, नीतू जी के पीछे पड़े रहो। हाँ हाँ, उत्तर दे रही तो तुम कर सकते नहीं कुछ। क्या कहूँ यार, बड़ी शर्म आती है बोलते टाइम। अपना कमेंट तो नहीं देखेंगे कि अपना कमेंट करते हैं, बोलेंगे मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। अरे नालायक, तुम्हारा नाम काहे ले लूं? उत्तर तो तुम एक भी नहीं बताते हो। नीतू क्या कर रही हो? हाँ पायल तुम क्या कर रही हो? प्रिया तुम क्या कर रही हो? तुम इसी के पीछे पड़े रहो। देखो इधर समझो, क्वेश्चन नंबर 3। अब अगला सवाल सुनो ध्यान से। 600 में कौन सी संख्या जोड़े कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए? बताइए, जवाब दीजिए। सुधा जसबीर, निर्मला श्रीवास्तव जी बताइए। हाँ बहुत इजी है क्योंकि हम इजी ही पढ़ाते हैं। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 25 और तीसरा ऑप्शन है 38 और चौथा ऑप्शन है 50। चलो जल्दी करो। सोनू यादव जी बताइए। चंदन कुमार, हाँ जी चंदन जी, उत्तर आपका नहीं आ रहा, सिर्फ कमेंट आ रहा है। आशुतोष कुमार बताइए, जवाब दीजिए। धीरज कुमार आप भी बताइए। ऋषभ भाई, देखो बच्चा मुंह ना बनाओ, उत्तर बताओ। कोशिश करो, सब कुछ होगा यार। एक बात ध्यान से सुन लो, अपने दिमाग में रख लो, अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, गारंटी हम लेते हैं मैथ में आपको मास्टर बना देंगे, एकदम हीरो बना देंगे, सुपरस्टार। लेकिन टाइम देना पड़ेगा, क्लास को प्यार से देखना है। अरे वैसे जैसे प्यार से तुम किसी को देखते हो, बस उतनी ही भाव श्रद्धा से देखो इधर भी। चलो, मतलब हमें नहीं, क्लास। 25, बहुत अच्छे, वेरी गुड, 25 आएगा। और इसी पर 100 स्टूडेंट हो गए, सभी जल्दी से लाइक कर दो फटाफट, विनम्र निवेदन है, जल्दी से लाइक कर दो, देर ना करो। चलो इधर, हाँ इसका करेक्ट आंसर है 25। देखिए प्रश्न ये था कि 600 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। हाँ पूर्ण वर्ग हो जाए। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, इसके बारे में मैं कल बात कर चुका हूँ। आप सभी अगर कल की क्लास को नहीं देखे हो बच्चा, तो कल की क्लास को देख लो, क्लियर हो जाएगा। देखो तो हम मानते हैं कि इसमें क्या करें, एक्स जोड़ दें। हमने माना कि इसमें क्या करें, एक्स जोड़ दें, तो जो आएगा वो पूर्ण वर्ग आएगा। लेकिन हमें यह तो पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या 600 के आसपास है क्या। हाँ कोई संख्या है? देखो बच्चा इधर समझो, हमें पता है कि 625 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि जो 25 का स्क्वायर होता है वो 625 होता है। और 576 ये 24 का स्क्वायर होता है कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ, मुझे नहीं कंफर्म। चलो सभी बच्चे जल्दी से बता दो फटाफट। हाँ कितना आएगा भाई, 23 का वर्ग कितना होता है? चलो 23 का बताओ। अरे तुम ही लोग से पूछ रहा हूँ भाई। हाँ निशा श्रीवास्तव भाई, देखो ध्यान दो क्लास पे। निशा यादव आप भी ध्यान दीजिए, सभी। आकृति वर्मा ठीक है, सही है। देखिए तो हमें पता है कि 600 में हमें जोड़ के लाना है, तो इसके नीचे जितनी भी संख्या आएंगी 600 से कम ही आएंगी, मतलब 600 के ऊपर तो जाएंगी नहीं। ये 576 आया, वो 400 कुछ आएगा और नीचे जाएगा, धीरे धीरे कमी होगा। तो हमें ऊपर अगर जाएंगे, अगर हम 26 के वर्ग की बात करें तो काफी लंबा हो जाएगा। हाँ 26 के वर्ग की बात करें तो काफी लंबा हो जाएगा। कुल मिला के सीधी सी बात है, हमें यही लाना 625। हाँ क्योंकि 600 के बाद पहली संख्या 625 है जो पूर्ण वर्ग है, समझ रहे हो ना? तो क्या करोगे, यानी हमें क्या लाना है, 625। अब क्या जोड़ दें इसमें, 25 जोड़ दें, उत्तर आ गया आप सभी का। देखो सीधा सीधा मिल गया। जिनको नहीं समझ में आया कि कैसे हुआ, भैया देखो पिछली क्लास देखो, आज तक 9 क्लास हो चुकी है, इसमें 9 क्लास हो चुकी है। अगर आप उन्हें प्लेलिस्ट से जाके देख लेते हो पीछे की सारी क्लास, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, और फिर आप इसको समझ पाओगे। क्योंकि जो क्लास कल वाली नहीं देखे हैं बच्चे,
उनको ये कम समझ में आ रहा होगा। एक्स का मान कितना आ गया 25, लिख लो आप सभी लिख लो। इंद्र प्रताप जी धन्यवाद पानी पिलाने के लिए, चलो पानी लाओ कि दूध लाओ। शालू कुमार ठीक है, गलत है बच्चा तुम्हारा, लेकिन संतोष वर्मा ठीक है, कोशिश करते रहिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। चलो फटाफट छाप लो, आगे बढ़ते हैं फिर। अब बस करो, बहुत मत पिलाओ खिलाओ, चलो। लेकिन अब इतनी आसानी से सवाल नहीं आने वाला है, अब मैं जो सवाल देने वाला हूँ वो थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि मैंने उसको मेहनत करके बनाया है। हाँ अभी तक तो तुम लोग बड़े मजे से कर लेते थे। चलो मुझे ये बताओ, जल्दी से फटाफट मुझे ये बताओ, कल मैंने बहुत सारे सवाल आपको करवाए थे ना, करवाए थे ना, तो बच्चा ये बताओ, ये बताओ बबुआ, वो क्या है ना, 48 और क्या है 90, इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। ध्यान से सुनो, 48 90 में कौन सी संख्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, मतलब उसका वर्गमूल निकालें तो एक पूर्ण संख्या आए। आज ये क्लास कम लोगों को समझ में आएगी, मुझे पता है कम लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि आज ये बहुत आसान नहीं है, आज की क्लास बहुत आसान नहीं है, दिमाग जो लगाएंगे सिर्फ उन्हीं को आएगी। बस मैंने सवाल किया 48 90 में कौन सी संख्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखो ये उस तरह से लगाना इसको संभव नहीं है, जैसे अभी तक मैंने बताया उस तरह से करना इसको संभव है ही नहीं। समझ रहे हो ना, देखो यहां समझो, क्वेश्चन था कि 48 90 में क्या जोड़े। ये कंपटीशन में भी आता है, ये सवाल कंपटीशन में भी इस तरह का आता है, याद रखना। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं एसएससी वगैरह में, सिम लटक जाते हैं लोग, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है छोटी चीजें और वो गड़बड़ा जाते हैं। समझो क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो इसको करने का तरीका है कि जिन छात्रों को वर्गमूल निकालना आता है वो भी भाग विधि से, वो इसको आराम से कर सकते हैं, प्यार से कर सकते हैं, जिनको भाग विधि से वर्गमूल आता है। समझ रहे हो ना निशा यादव जी, बिल्कुल आएगा समझ में। देखो उज्मा ने सही जवाब दिया है, इसमें 10 जोड़े, कितना जोड़े 10, क्योंकि 4900 जो है आगे चल के वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। हाँ गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, भाग विधि से भी कर सकते हो, दोनों विधि से कर सकते हो इसका वर्गमूल। चलो देखो करते हैं, ध्यान दो, अब इसमें क्या जोड़े हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे भाई, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले एक छोटी सी संख्या ले लो, नन्ही भर की ले लो, एकदम प्यारी वाली। देखो समझो, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि 15 में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए, एक मिनट के लिए बच्चा बन जाओ छोटा वाला और ये सोचो कि आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता कि 15 में क्या जोड़े पूर्ण वर्ग हो जाए। वैसे तो लोगों को पता है, लेकिन हम मानते हैं कि आपको नहीं पता है। अब देखो समझो, समझो 15 में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए, हम क्या करेंगे बच्चा। हाँ ये थोड़ा सा मुझे लग रहा कठिन हो जाएगा ना, नहीं चलो कर ही लेते हैं। देखो इधर साइड समझो, अगर हम 15 का वर्गमूल ये ऐसे गुणनखंड करें तो क्या होगा, जरा आप सोचो, 3 5 15, 5 1 5 ना, कुछ बात बनेगी क्या यहाँ से। वैसे मुझे लग रहा है यहाँ से कम समझ में आएगा, हाँ क्या आएगा समझ में, एक जोड़े ना। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, निर्मला श्रीवास्तव जी सही है, बबीता जी आपका भी सही है, ऋषभ भाई नींद आ रही है, अच्छी बात है, सो जाओ जाओ जल्दी सो जाओ जाओ। चलो देखो 15 में क्या जोड़े पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसका अगर हम वर्गमूल करते हैं, वैसे मुझे लग रहा है इस विधि से नहीं जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा, ये सब छोड़ो ऐसे होगा नहीं, ये ऐसे होगा भाग विधि से होगा, ये नालायक कोनो बताया था, मैं वैसे कोशिश किया लेकिन ऐसे होगा नहीं। ये देखो यहाँ पे समझो, ऐसे जोड़ा बनाते हैं ना, यहीं पे समझ लो बस तुम। अब बताओ कौन सी संख्या का वर्ग करें कि 15 के आसपास आ जाए, तो 4 का वर्ग करें 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग करें तो होगा ना, 4 का करें तो 16 ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से वर्गमूल कैसे करते हैं, ये वर्गमूल कर रहे हो गुणन भाग विधि से, देखो ऐसे होता है, ऊपर 3 बार जाएगा, ये 3 3 9, इसमें से घटाओगे कितना आएगा 6,
ये कितना हो जाएगा? छः। अब यहाँ पे समझो, अब ये बताओ क्या छः का भाग छः में जाएगा, इसमें जाएगा? हाँ, इसमें जाएगा? नहीं जाएगा ना, आप करके देख लो, जाएगा नहीं। चलो इसका वर्गमूल निकाल के आपको पूरा दिखाते हैं। अगर हम वन टाइम ले जाएंगे तो ऐसे इतना बनेगा, यहाँ पे समझो, अगर वन टाइम ले जाएंगे तो ये 60 बनाएगा। अगर दो बार ले जाएंगे तो ऐसे बनता है ये भाग विधि में। यहाँ पे समझो हम लोग थोड़ा अलग हो जा रहे हैं ना उससे, आपको लग रहा है ना थोड़ा क्वेश्चन से अलग जा रहे हैं, लेकिन पहले समझो, छोटी छोटी चीजें समझना जरूरी है। अगर दो बार ले जाते हैं तो ऐसे बनता है, ये दो दूना चार, यहाँ पे चार आएगा और दो छंग ये 12। तो भैया कहाँ ये 6 है और कहाँ इतना लंबा जा रहा है ये, इसका मतलब ऐसे ही आसानी से जाएगा नहीं, 3.87 आएगा। बहुत अच्छे देखो, समझो अब, मतलब समझो, मैं जो बताना चाहता हूँ वो समझो। हमने यहाँ पर देखो एक जोड़ा बनाया एक्स्ट्रा अलग से जीरो लगा के, तो अब घटाएंगे, यहाँ पे तो 6 आएगा, ऊपर से एक जोड़ा उतार लेंगे, अब कितना हो गया 600। इसको तो हम उतार ही लेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, ये 6 हो गया, इतना ठीक है ना, आप समझो। यहाँ पर अब ऊपर हम दशमलव बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि हमने जो जोड़ा उतारा है वो दशमलव के बाद था, बोलो था कि नहीं, यहाँ पे जो पेयर लिया दशमलव के बाद था, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पर दशमलव बढ़ा के 0 उतार लेंगे जोड़ा। अब ये बताओ कि 6 का भाग 600 में कितनी बार जाएगा, अंजाद के ट्राई कर लो, 6 का भाग 600 में कितनी बार जाएगा? हम सबको पता है कि 6 दहम्मा 60 होता है, हाँ भाई मुझे लग रहा बहुत बार जाएगा, 100 बार लगभग जाएगा, क्यों जाएगा ना, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। आप देखो 9 बार ट्राई कर लो, 9 बार अगर हम ले जाएंगे तो ये ऐसे जाता है, जो लोग जानते हैं इसको उन्हें पता होगा, अगर हम 9 बार ले जाएंगे तो ऐसे तिरछा लिखते हैं, ये 9 9 81, 1 हाँसी लाया 8 और 9 6 54 और 54 में 8 जोड़ो, ये देखो 8 4 12 हाँसी ले, यानी 62 हो गए, 62। यहाँ पर अगर आप देखो तो ज़्यादा हो रहा है, बोलो ज़्यादा हो रहा है कि नहीं भैया, ये 600 है, 621 हो गया, ज़्यादा हो गया ना, हाँ ये 9 बार नहीं जाएगा, इसका मतलब ये 8 बार जाएगा पक्का है, कितनी बार जाएगा? 8 बार। अब ध्यान दो, 8 बार ले जाओगे तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे देखो, ये पूर्णखंड विधि नहीं, भाग विधि से वर्गमूल बता रहा हूँ, वो संख्याएं जिनका आसानी से वर्गमूल नहीं निकलता है, क्यों मैं वर्गमूल ही तो कर रहा हूँ ना, हाँ ये कुछ और हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा ना सभी को? देखो यहाँ पे समझो, जैसे अगर मैं बोलूँ इसका 15 का वर्गमूल तो इसी का मैं कर रहा हूँ, अगर तुमसे मैं 16 का पूछता तो बड़े प्यार से 4 बता दोगे, 15 का पूछूंगा लटक जाओगे, हाँ तो 8 बार जाएगा बच्चा, 8 2 64 का 4 हाँसी लाया 6 और 8 6 48 2 50 4 54, ये ऊपर 8 बढ़ा लो, भूलना मत, इनको जोड़ लो तो ये 8 8 16 हाँसी लाया 1 6 1 7। एक बात ध्यान रहे, जोड़ते टाइम इनको थोड़ा इधर ही लिखोगे, इसके सटा के नहीं लिखना, जिससे इसमें बीच में जगह रहे, ठीक है? राजेंद्र सिंह पढ़ाई पे ध्यान दो बाबू, पढ़ाई पे ध्यान दो, मजा आएगी। चलो इनको घटाओ, 10 में से 4 गया 6, 9 9 में से 4 गया 5, 56 आया। अब बताओ कितनी बार जाएगा? देखो अब अगर फिर से हमें भाग ले जाना है तो यहाँ पे हमें और जोड़ी भी बनानी पड़ेगी, ये चाहे जितनी बना लो, ये फ्री होती है, ये फ्री होता भाई, जैसे जाते हो ना किसी दुकान पे, कुछ खाते हो चटपटा तो साथ में पानी फ्री मिलता है भाई, हमारे यहाँ यूपी वगैरह में तो मिलता है, कुछ जगह पानी भी खरीदना पड़ता है, अलग बात है, हाँ तो पानी साथ में दुकान वाले रखे रहते हैं, वही हाल है। यहाँ पे हमें भाग करना है, साथ में जीरो वाला ये जोड़ा, चाहे जितनी बार उतार लो। तो अगर कोई कहे कि हमें 2 अंक में ले जाओ, 2 अंक में बताओ, तो आप एक जोड़ा ऊपर से और उतार लोगे यहाँ पे ये, अब फिर से ट्राई करोगे, लगभग 7 बार जाएगा। अब कहोगे कैसे जान गए, क्योंकि मैं अभी कपड़ी पटका हूँ 2 बार, इसलिए मालूम चल गया। 7 बार ले जाओ, 7 7 49 हासिल आया कितना 4 और 7 6 42 42 4 46 हासिल 4 7 7 49 4 49 1 50 6 56 7 7 49 और 4 53, ठीक है सही है। एक बार फिर से देख लो, 7 7 49 4 आया और 7 6 42 42 में 4 ऐड करोगे 46 और 7 7 49 और ये हो जाएगा बच्चा 53, बस ठीक है हो गया, ये 7 आया। यानी हम कह सकते हैं कि जो 15 का वर्गमूल है
वो कितना आया, कितना आया भाई? देखो बच्चा ये आया 3.87, यही आया ना, बात समझ में आई ना? तो ये आपका हो गया 15 का वर्गमूल। हम बात क्या कर रहे थे, उस बात को तो खत्म ही कर दिए, हम ये बात कर रहे थे कि 48 90 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तेजपाल जी आ रहा समझ में? हाँ, अब देखो यहाँ पे समझो, अच्छे से समझो भाई। निशा जी आप केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और जो भी फालतू के कमेंट कर रहे हैं उन सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, मंजीत शाह ठीक है, आप भी पढ़ाई पे ध्यान दो। सभी को समझ में आया कि नहीं? इस तरह से वर्गमूल कर लोगे आप लोग, देखो मैं बताने वाला कुछ और था आज, लेकिन आप लोग कहीं और ले गए। कल मैंने आप लोगों को गुणनखंड विधि से वर्गमूल बताया था, चलो आज भाग विधि से बता देता हूँ, फिर इसको बाद में बताऊंगा उस टाइप वाला, जाने दो। भाग विधि से वर्गमूल सीख लो आज, अच्छी बात है, चलो यही कर लो। आज काफी दिमाग डिस्टर्ब शुरू से ही था, काफी चीजें बदल गई। चलो अच्छा एक बात बताओ, 25 का वर्गमूल अगर मैं बोलूं तब तो हर कोई कर लेगा बड़े प्यार से, लेकिन बच्चा तुम एक काम करो, इसका भी बता दो 22 का वर्गमूल। चलो कोई बताएगा? ऋषभ भाई चलो जल्दी करो, ऋषभ भाई बताइए, जवाब दीजिए। प्रतिभा केसरवानी 10 जोड़ेंगे, बिल्कुल सही है। अब मैं ये नहीं करने वाला हूँ इस तरह का सवाल, अब पहले भाग विधि से वर्गमूल ही बता देता हूँ, क्योंकि अभी बिना उसको आए ही आएगा नहीं, और फिर तुम लोग कहोगे मुझे समझ में आ नहीं रहा है, तो फिर मजा नहीं आएगी। मंजीत जी बिल्कुल सही बता रहे हो, 25 का तो 5 आएगा, सबको पता है। हाँ चलो 22 का बताओ कोई, 22 का बताओ कोई भी, जल्दी करो फटाफट। 22 का कितना आएगा? देखो आप सभी अगर ट्राई करोगे ना तो मुश्किल है नहीं, लेकिन ट्राई करोगे तब ना, नहीं ट्राई करोगे तो फिर बहुत मुश्किल है, काफी मुश्किल है। ये ऐसा कैसे हुआ आज, लोगों ने कुछ ना कुछ किया था गड़बड़। चलो देखो यहाँ पे समझो, आप लोग समझने की कोशिश करो, ये कुछ ज्यादा तेज है इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब मुझे आइडिया आया, चलो ठीक है, आप ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? हाँ आवाज मस्त आ रही ना एकदम, चलो अब ठीक है। अब अगर मैं तेज भी बोलूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, रुक जा भाई, अरे रुक जा यार, चलो अब ठीक है, आगे बढ़े फिर चले हम लोग। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को? अगर कोई समस्या है तो बता देना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। चलो आवाज मस्त आ रही ना एकदम, ठीक है अब समझिए, यहाँ पे नोट करिए आप लोग। 22 का कोई बताया? 22 का कोई बताया वर्गमूल? अच्छा आप लोग ये बताओ 48 का कितना आएगा? देखो सभी अगर इसको भाग विधि से करोगे तभी आएगा, क्योंकि गुणनखंड विधि से ये सब होने वाले हैं नहीं, गुणनखंड विधि से सब नहीं होंगे। देखो 25 का वर्गमूल अगर हम करें, यही विधि लगा लो बच्चा, 25 का ये लो, दशमलव बढ़ा के इनका जोड़ा बना लो, 25 का भी वर्गमूल कर लो, गुणनखंड विधि से नहीं भाग विधि से कर लो 25 का, देखो इसका कैसे होता है, और उसी अकॉर्डिंग अपना समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो हमें पता है कि हम ऐसे करेंगे, ये किसी भी नंबर को यहाँ पे लिखेंगे जिसका वर्ग करने पर इसके आसपास आए, ऊपर 5 गया ये घटाओगे 0 आ गया, ये सब खत्म हो गया, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, यानी इसको जोड़ो या ना जोड़ो ये चाहे भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं, इसका आंसर आ गया 5। ये हो गया 25 का भाग विधि से, कितना आसान है ना, बहुत आसान है, वेरी सिंपल सा है, इसमें कोई मुसीबत ही नहीं है। हाँ चलो अब देखो इधर साइड में 48 का आ रहा 6.92। किरण मौर्य जी आप बताइए आपने चीटिंग किया कि नहीं, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना। हाँ आपने कैलकुलेटर से किया कि नहीं? हाँ मुझे पता है कि बहुत से बच्चे मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो बुरा मानने की बात नहीं, बस मैंने ऐसे पूछा है, क्योंकि बहुत से गधे हैं जो तुरंत जैसे क्वेश्चन दो ना कैलकुलेटर से करके बता देते हैं पटाख। ज्योति विश्वकर्मा आ रहा समझ में? कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं, दो चार अक्षर आ रहा है कुछ? अखिलेश जी 109 का बताइए, बिल्कुल बताएंगे अखिलेश जी 109 का बताएंगे, लेकिन आप ध्यान से देखो। चलो तो पहले हम 22 का करेंगे, 22 का वर्गमूल मान लो कि हमें दो अंकों तक करना है, कितने तक करना है? दो अंकों तक, मतलब दशमलव के दो अंकों तक करना है, तो यहाँ पे हम दशमलव बढ़ा के और दो जोड़ा बनाएंगे, ये एक जोड़ा तो ये खुद ही है,
अब देखो 25 का वर्गमूल आसान है, 16 का वर्गमूल आसान है, इसका 4 बता दोगे, इसका 5, लेकिन 22 का नहीं बता पाओगे इतना आसानी से। 22 का नहीं, 22 का जो आएगा दशमलव में आएगा, इतनी आसानी से नहीं आएगा। हाँ, अब कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका वर्ग यानी स्क्वायर 22 आ जाए या 22 के आसपास आए, जरा सोच के बताओ। कोई भी ऐसा नंबर जरा सोच के बताओ, क्या हो सकता है वो नंबर। हाँ, कोई भी देखो, समझो, सिंपल सा है बच्चा। इसमें अगर हम भाई रुक जा, नंबर की बात करें तो 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। 4 का वर्ग अगर हम करें तो क्या आएगा, 16 आएगा। अगर 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे 5, क्योंकि 25 ज़्यादा हो जा रहा है। अभी 10 बजे क्लास है डीएलएड वाली ना, तो टाइम बीत गया, डिस्टर्ब हो गया था आज काफ़ी। चलो फटाफट कर लो, ये जोड़ लो, 8 हो गया, ऊपर 4 मार गया। अब ऊपर दशमलव बढ़ाओ, इनको घटाओ, 6 आएगा, ऊपर से एक जोड़ा उतार लो। अब देखो लगभग कितनी बार जाएगा, 6 8 का सोचो, 8 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा भाई, 8 6 48 8 7 56, लगभग 7 बार जाता है ना। 7 बार ट्राई कर लो, चलो 7 बार ट्राई करो। आज डीएलएड वालों का लेट होगा थोड़ा सा, 5 मिनट, और वो घर आएंगे भी। हाँ चलो देखो, 7 बार ले जाएंगे तो ऐसे जाएगा ये, 7 7 49 हासिल आया कितना, 4 और 7 8 56, 56 4 60, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, 7 7 जा 49, 4 आया, और 7 8 जा 56, 56 में 4 8 करो, 6 हो जाएगा, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। नीतू कुमारी ज़्यादा हो रहा है, सचिन यादव जी ठीक है, देखो बच्चा 6 बार जाएगा बाबू, तो 6 6 जा कितना होगा, 36 भाई। गुड़ा करना तो तुम सब जानते हो, 86 का गुड़ा 6 में कर लो ना, रोका किसने है, इसको तो बचपन में सीखे हो ना, सभी सीखे हो ना। देखो यहाँ पे समझो, 6 6 36 के 6 हासिल आया 3, और 6 8 48, 3 48 2 50 1 51, ये 6 बार गए। हाँ इसको जोड़ लो, 6 6 12, और ये 8 1 9। अब हम इसका केवल 2 ही अंक तक नहीं करेंगे, 1 अंक तक लिख देते हैं, क्योंकि टाटा कुमारी बता रही ठीक है राम सहाय जी। चलो दूसरा क्लास अभी चलेगा तुरंत, 10 बजे से था आपका डीएलएड वाला, ठीक है 10 बजे से आपका डीएलएड की क्लास है। ये ऊपर जो आता है वो आंसर होता है, याद रखना। 4.6 आया, मैंने सिर्फ 1 अंक तक किया है, 2 अंक तक करोगे तो एक आध बार और जाएगा, 9 9 लगभग आएगा, समथिंग लोग बता रहे हैं। चलो तो साथियों आज की ये क्लास यहीं पे बंद करते हैं। स्टार्टिंग में आपको काफ़ी असुविधा हुई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, काफ़ी डिस्टर्ब था ये सिस्टम आज, मुझे लगता है कोई छेड़ा था इसको, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है कम कर दिया था एकदम से स्टार्टिंग में, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने उसी दिमाग डिस्टर्ब था, बैटरी निकाल दिया माइक्रोफोन की, उल्टी लगा दिया, फिर उल्टी लगा दिया तो और बंद हो गया एकदम से। हाँ स्टार्टिंग में लाइव नहीं हो रहा था, पता नहीं कोई की वगैरह गड़बड़ कर दिया था, जो स्ट्रीम की होता है तो ये भी नहीं हो रहा था, समस्या काफ़ी हुई आज। तो अखिलेश जी ऐसे कर लेना यार, कम से कम कुछ तो सीखो, 109 का ऐसे होगा, देखो भाई ऐसे होगा, 109 लिख लो। हाँ ऐसे लिख लो, इसमें दशमलव बढ़ा के जोड़ा बना लो। हाँ जोड़ा बना लो, 2 2 अंक पे क्या करोगे, ये ऐसे, यहाँ ध्यान देना पीछे से 2 अंक, इसका ऐसे जोड़ा बनेगा, ये ऐसे बनेगा, याद रखना पीछे से 2 2 अंक के जोड़ा बनाते हैं, जितने भी 3 अंक का करोगे ना 2 अंक का पीछे का जोड़ा बन जाएगा। जैसे मान लो एक और, मान लो 125 का करना है, ध्यान दो ये ऐसे जोड़ा बनेगा, इसमें ऐसे जोड़ा बनेगा, और फिर पहली बार 1 में भाग ले जाओगे, याद रखना। समझ गए ना, सभी समझ गए ना, तो इस तरह से कर लेना। तो आज की ये क्लास यहीं पे बंद करते हैं, आपकी डीएलएड की क्लास 3rd सेमेस्टर जस्ट शुरू हो रही है, तुरंत आ जाओ, बस अगली क्लास शेड्यूल हुई है 3rd सेमेस्टर वाली, जल्दी से आ जाओ 3rd सेमेस्टर पे आ जाओ, सभी फटाफट आना, बिल्कुल देर नहीं करना। और जो भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और बिल्कुल फ्री पढ़ें घर बैठे, जल्दी सब्सक्राइब करें, देर ना करें, आपकी जिम्मेदारी है, तुरंत करिए, और सेशन को लाइक भी करो भाई, मजा नहीं आ रही यार, इतने कम लोग लाइक किए, मतलब मैं क्या बताऊं, ऐसे कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, ऐसे लाइक करने में भी कोई समस्या है क्या? अगर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तो भाई आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है ना यार, आपकी जिम्मेदारी है, तुरंत करिए।